हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हां फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ऑफिशियल यहां पर जो है किस कॉलेज की कितनी कितनी फीस है, यहां पर कॉलेज की लिस्ट और साथ ही उनकी जो प्रत्येक वर्ष की यहाँ पर जो उनका कॉलेज का शुल्क रहने वाला है वो यहाँ पर दिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस जाने वाली है पर ईयर। एमबीबीएस की फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेट 50 लाख फीस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फीस फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस कॉलेज की कितनी कितनी फीस है। एक कॉलेज यहाँ पर देखिएगा 50 लाख रुपए फीस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि नोटिफिकेशन फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ये जारी किया गया था 6 नवंबर 2020 को, ठीक है। तो इस नोटिस को आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा इस नोटिस को जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर अपलोड कर लीजिएगा, इस नोटिस को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छात्रों को कॉलेज दिए गए हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर संस्था का नेम, एक कॉलेज है मेरठ में जिसका नाम है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। इसकी प्रति छात्र प्रति वर्ष यहाँ पर फीस निर्धारित की गई है 1 लाख रुपये में, 11,31,000 इसकी प्रत्येक वर्ष की फीस रहेगी। राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो बरेली में कॉलेज है, उसकी 12,72,000 रुपये फीस है, ठीक है। 12,72,000 रुपये प्रत्येक वर्ष की फीस है। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो यहाँ पर 48 होता है। उसके बाद 72,000 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख से भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 50,000 से 50 लाख से भी ज़्यादा फीस इसकी 4 साल में होने वाली है, जो कि बरेली में राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कॉलेज है उसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में है, 12,31,000 इसकी भी प्रत्येक वर्ष की फीस है। अगर इसको भी देखें तो फ्रेंड्स इसकी भी 50 लाख यहाँ पर 4 वर्ष की फीस रहने वाली है। रोयलगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बरेली में है, इसकी भी 12,26,000 है, अप्रॉक्सीमेट 50 लाख इसकी भी 4 साल में फीस रहने वाली है। रामा मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर में है, 12,30,000 रुपये इसकी भी फीस यहां पर प्रत्येक वर्ष की दी गई है। इसको फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ में है, 11,05,000 रुपये इसकी भी फीस है। हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बाराबंकी में है, 11,30,000 रुपये इसकी भी प्रतिवर्ष फीस है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, 11,79,000 रुपये इसकी फीस है। रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हापुड़ में है, 12,54,000 रुपये इसकी भी फीस है। मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी में है, इसकी भी 10,67,000 फीस है प्रतिवर्ष। राजश्री मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में स्थित है, 11,71,000 प्रतिवर्ष इसकी भी फीस है। ये फीस मैं बताने वाला हूँ एमबीबीएस छात्रों की बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एमबीबीएस की बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएस वालों की भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जीएस मेडिकल कॉलेज जो कि हापुड़ में है, 11,30,000 रुपये इसकी भी फीस यहाँ पर है। और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में है, 12,62,000 इसकी भी फीस है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पता लगे कितनी भी फीस इसकी हो और आपको जो है वहाँ पर बजट आपका ना हो तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ 12,62,000 रुपये है, तो यहाँ पर जो है 50 लाख से भी ऊपर फीस पहुँच रही है 4 साल में इसकी। उसके बाद फ्रेंड्स हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो कि सीतापुर में स्थित है, इसको आप देख सकते हैं 10,40,000 रुपये इसकी भी फीस है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा में है, 11,68,000 इसकी भी फीस है। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा में 11,34,000 इसकी भी फीस है। उसके बाद प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में 10,84,000 इसकी भी फीस है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव 11,34,000 इसकी भी फीस है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमौसी लखनऊ में है, 12,65,000 इसकी भी फीस है, जो कि 50 लाख से ऊपर पहुंच रही है। वरणार्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका रोहिलखंड हॉस्पिटल शाहजहांपुर में है, ठीक है, इसकी भी फीस जो है वो फ्रेंड्स 12,10,000 रुपये फीस इसकी भी है। उसका श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरौला अमरोहा में है, 10,83,000 इसकी भी एमबीबीएस की फीस है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ जो कि MSY मेडिकल कॉलेज मेरठ जिसको बोला जाता है, उसकी प्रत्येक वर्ष की MBBS की फीस 11,72,000 रुपये है।
यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज 11,56,000 इसकी भी फीस है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गौतम बुद्ध नगर जो कि 11,56,000 रुपये फीस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कॉलेज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उनकी ये फीस है जिसमें फ्रेंड्स 24 तो आपके मेडिकल कॉलेज है जो कि MBBS के लिए है, 19 आपके BDS डेंटल कॉलेज है। अब हम डेंटल कॉलेज का देखते हैं, 2020-21 आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इनकी फीस यहाँ पर जो है स्वीकृत की गई है राज्यपाल द्वारा, श्री राज्यपाल द्वारा यहाँ पर इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है कि किस कॉलेज में कितनी कितनी फीस रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डेंटल कॉलेज BDS की बात कर लेते हैं, तो ये भी प्रत्येक वर्ष में है, 83 लाख में है। बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो कि लखनऊ में है 3,48,000। सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ में 2,93,000 प्रत्येक वर्ष। डेंटल कॉलेज आजमगढ़ में है 2,93,000 प्रत्येक वर्ष। सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लखनऊ में है 3,42,000 प्रत्येक वर्ष। ITS सेंटर फॉर डेंटल स्टडीज एंड रिसर्च गाजियाबाद 3,59,000 इसकी भी प्रत्येक वर्ष की फीस है। ITS डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है 3,41,000 इसकी भी प्रत्येक वर्ष फीस है। कालका डेंटल कॉलेज मेरठ में है 2,93,000 इसकी भी फीस है। कोठीवाल डेंटल कॉलेज मुरादाबाद में है 3,65,000 इसकी भी फीस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें आगे, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज गाजियाबाद में है, इसकी भी 2,93,000 प्रतिवर्ष फीस है। श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाजियाबाद में 3,60,000। IDS बरेली में है 2,93,000। IDST मोदी नगर गाजियाबाद में 3,38,000। ये मैं फ्रेंड्स BDS वाले छात्रों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहले जो मैंने बताया वो MBBS वालों का था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल ऑफ डेंटल साइंस ग्रेटर नोएडा में 3,65,000। KD डेंटल कॉलेज मथुरा में 3,28,000। सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ 2,93,000। चंद्रा डेंटल कॉलेज बाराबंकी 2,93,000। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो कि है उसका 2,93,000। पूर्वांचल डेंटल कॉलेज गोरखपुर में 2,93,000। महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज कानपुर में 3,21,000। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ से जो है वो डेंटल कॉलेज BDS वाले छात्रों के लिए है, और इससे ऊपर के जो 24 कॉलेज हैं ये MBBS वाले छात्रों के लिए है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स कुछ फीस है। अगर आप MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार उत्तर प्रदेश की शुल्क ही देख लीजिएगा कि प्रति वर्ष शुल्क कितना है, पता लगे इसमें कितना ही फीस दिया है। आपका बजट ना हो इतनी फीस के लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। वही पर फ्रेंड्स हॉस्टल फीस की बात करूँ तो जो छात्र मेडिकल MBBS में एडमिशन ले रहे हैं तो वो हॉस्टल अगर लेना चाहते हैं MBBS वाले छात्र 2020-21 में, तो नॉन AC अगर आप बिना AC का रूम ले रहे हैं तो 1,50,000 प्रति वर्ष फीस रहेगी। अगर आप AC का ले रहे हैं तो 1,75,000 प्रति वर्ष आपकी फीस लगने वाली है। ठीक है, उक्त शुल्क में मैथ शुल्क सम्मिलित है। ठीक है, जो कि इसमें जो फीस रहेगी आपकी, इसमें ही आपका मैथ खाने पीने का खर्चा रहेगा। एक कक्ष में 2 से अधिक छात्र नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, एक कमरे में, ठीक है, एक रूम में 2 या 1 या 2 छात्र रखे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रखे जाएंगे। छात्रों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर उपलब्ध कराया जाएगा, आहार पौष्टिक व वैरायटी का होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपकी दी गई है। उसको तो ये जो अपडेट है आपको मैंने बता ही दिया। डेंटल कॉलेज की बात की जाए तो डेंटल कॉलेज में नॉन AC लेते हैं, हॉस्टल तो 85,000 रुपये है, AC का लेते हैं तो 1,05,000 रुपये है। तो ये अपडेट था, कोई भी दिक्कत परेशानी इससे रिलेटेड हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस नोटिस को मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी।